हेलो दोस्तों, मैं क्लास फोर का पैटर्न चैप्टर का वर्कशीट टू बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन बता रहा है, लुक एट द रूल एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। दोस्तों इधर पैटर्न समझ के इधर बढ़ना है। ए नंबर में देखिए कितना है, 52। मैं लिख देता हूँ पहले 57, 62, 67। दोस्तों इसमें पहले दिमाग लगाना है कि क्या हुआ है। दोस्तों इससे ये देखिए कितना बड़ा है, तो 5 बड़ा है। इससे ये 5 बड़ा है, इससे ये 5 बड़ा है। इसका मतलब 5 प्लस हुआ है, तो हम लोग इधर क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे। 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 72, फिर 5 प्लस करेंगे तो 77, फिर 5 प्लस करेंगे तो 62। 1 2 3 4 भरना, तो 1 भर दिए, 2 भर दिए, 3 भर दिए, और फिर 5 प्लस करेंगे तो 287 हो जाएगा आंसर। बी नंबर बता रहा हूँ, 1 3 5 7। दोस्तों यहाँ देखिए क्या हुआ है, 2 प्लस हुआ है, फिर यहाँ 2 प्लस हुआ है, फिर यहाँ 2 प्लस हुआ है। दोस्तों इसका मतलब इसमें क्या करना है, 2 2 प्लस करते जाना है। तो 2 प्लस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 9, फिर 2 प्लस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 11, फिर 2 प्लस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 13, फिर 2 प्लस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 15। तो ये सब भरा जाएगा, जिसमें भरा जाएगा ना दोस्तों, यहाँ तो उसमें गोल गोल कर देता हूँ मैं, उसको सर्कल कर रहा हूँ। चलिए अगला दोस्तों, बुक में नहीं भर रहे हैं क्योंकि बुक ख़राब हो जाएगा, बच्चों का बुक मैंने ला के आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है 30, सी नंबर में 23 24 21। दोस्तों इसमें क्या हुआ, 3 माइनस हुआ है, फिर 3 माइनस हुआ है। आपको इधर सोचना है, 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18, फिर 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15, फिर 3 माइनस करेंगे हो जाएगा 12, फिर 3 माइनस करेंगे हो जाएगा 9। उसके बाद डी नंबर बता रहा हूँ, उसके बाद है 100 90 80 70। दोस्तों इसमें देखिए क्या हुआ, 10 माइनस हुआ है फिर 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60, उसके बाद हो जाएगा 50, 10 माइनस करेंगे, फिर 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40, फिर 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30। नेक्स्ट बता रहा हूँ डी के बाद ई नंबर, 1 3 7 13। इसमें देखते हैं क्या हुआ दोस्तों, यहाँ कितना बड़ा है दोस्तों, 2 बड़ा है, इसमें 4 बड़ा है, इसमें 6 बड़ा है। देखिए अब दोस्तों क्या हो गया, मतलब यहाँ थोड़ा दूसरे टाइप से हो रहा है, इसका मतलब यहाँ 8 बड़ा होगा, है ना, इसका मतलब यहाँ 8 बड़ा होगा। तो 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3 11 का 1 कैरी 1 1 1 2। इसका मतलब फिर यहाँ 10 भरा होगा, तो 10 भराएंगे तो हो जाएगा 31, फिर यहाँ 12 भरा होगा, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 43, फिर यहाँ 14 भरा होगा, तो इसका मतलब 4 प्लस 3 7 और 4 प्लस 1 5 57 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ, इसमें भी देखिए 2 2 भर रहा है ना, 2 2 बढ़ाते जाना है, इसलिए ऐसा पता चला। तो ई के बाद एफ, ये थोड़ा सा आपको जटिल लगा होगा। उसके बाद एफ नंबर में है 11 22 33 44। दोस्तों ये तो बहुत इजी लग रहा होगा, 5 5 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा। उसके बाद एफ के बाद जी नंबर में है 2 है 4 है 8 है 16 है और 32। दोस्तों इस ये देखिए 2 मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इसका 2 टाइम्स हो गया। तो इसको 32 को 2 2 जा 4 3 2 जा 6, फिर 4 2 जा 8 6 2 जा 12, फिर 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 और 12 2 जा 24 1 25, है ना, ऐसा हो जाएगा। दोस्तों 4 भरना है, एक और चलाना का 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11 का 1 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5, तो इतना हो जाएगा। उसके बाद जी के बाद है दोस्तों एच नंबर, उसके बाद है 99 101 103 105। दोस्तों देखिए कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, फिर यहाँ 2 प्लस हुआ है, यहाँ फिर 2 प्लस हुआ है, तो 2 प्लस करेंगे तो 107, फिर 2 प्लस करेंगे तो 109, फिर 2 प्लस करेंगे 111, फिर 2 प्लस 130, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आई नंबर में है 9 109
209, ये भी बहुत इजी लग रहा होगा दोस्तों, 309 हो जाएगा, मतलब 100 करके भर रहा है, देखिए 100 भर रहा है ना इसमें, 100, 409, 509, 609, है ना, 100 इसमें भर रहा था, चाहे बढ़ेगा या घटेगा या मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जे नंबर में दोस्तों आप लोग को लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग के अंदर में अगर टैलेंट है ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप बता दीजिएगा तब मान जाऊंगा हाँ है आप लोग तेज। 586, 586, 786, 786, दोस्तों 86 सेम है लेकिन 100 बढ़ रहा है, यहाँ 100 प्लस हुआ है, यहाँ भी 100 प्लस, तो 886, 986, 1086, 1186, ये हो गया दोस्तों सारा तो बता दिए। चलिए मैं एक पूछ लेता हूँ आपको, देखते हैं आप लोग कितना है। पहला है दोस्तों 1, दूसरा है 8, 27, 64, अगला 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 क्या होगा इसका आंसर, अगला आप लोग को आता होगा ना तो किसी से पूछ के भी ये तीन बॉक्स आप भर के दिखाइएगा, देखते हैं आपको अगर है टैलेंट तो बता सकते हैं, ये पैटर्न बताऊँ मैं दोस्तों। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों शेयर भी कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, थैंक यू।